अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मिसिज फरीदा बानो एंड आई वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू पोएम नंबर 14। आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस। पोएम का नाम है आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय लाइट हाउस। लाइट हाउस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने जा रही हूँ। So listen very carefully. A lighthouse is a tower, building or a tall structure on a seashore. Lighthouse का मतलब होता है कि कोई एक tower या building या बड़ा सा एक structure जो कि समंदर के किनारे पर होता है। From the lighthouse, big beams or flashes of light are thrown out. उस lighthouse में से रोशनी की बड़ी बड़ी किरणें बाहर निकलती है। These beams help ships that there is a port nearby. It is safe to go near the port or that there are dangerous rocks under the sea, etc. और ये जो किरणें होती है वो ships यानि पानी की जहाजों को मदद करती है कि यहाँ कोई बंदर यहाँ पर कोई या port है यहाँ पर कोई खतरा नहीं या यहाँ पर खतरनाक या आसपास बड़े बड़े समंदर के नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं ऐसा वो लाइट हाउस बताता है। इन डेज ऑफ ओल्ड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रेडियो मोबाइल फोन्स इंटरनेट वेर नॉट अवेलेबल टू द पीपल देयरफॉर द वार्निंग सिग्नल्स ऑफ द लाइट हाउस वेर वेरी यूजफुल टू शिप्स। पुराने जमाने में लोगों से जुड़ने के लिए आजकल के जैसे रेडियो मोबाइल फोन या इंटरनेट अवेलेबल नहीं थे इसलिए इस लाइट हाउस के वार्निंग सिग्नल्स बहुत यूजफुल साबित होते थे। इन टुडेज एज ऑफ रेडियो टीवी द इंटरनेट सैटेलाइट सर्विसेज मेनी अदर फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू शिप्स एंड एरोप्लेन्स व्हेन दे ट्रेवल अक्रॉस द सी और स्काई। लेकिन आज के इस दौर में रेडियो टीवी इंटरनेट सैटेलाइट सर्विसेज और कई आधुनिक तकनीक यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जहाज़ों और विमानों के लिए उपलब्ध हैं जब भी वो समंदर में या आसमान में से ट्रेवल करते हैं। तो ये हुआ लाइट हाउस का मतलब। सो आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोएम एंड यू हैव टू रिसाइट द पोएम आफ्टर मी। सो लेट्स स्टार्ट। पोएम नंबर 14। आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस। आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस ऑल स्क्रब्ड एंड पेंटेड वाइट। आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस ऑल स्क्रब्ड एंड पेंटेड वाइट। I would like to be a lighthouse and stay awake all night. I would like to be a lighthouse and stay away all night. To keep my eye on everything that sails my patch of sea. To keep my eye on everything that sails my patch of sea. I would like to be a lighthouse with the ships all watching me. I would like to be a lighthouse with the ships all watching me. Dear students, once again you have to repeat the poem after me. I would like to be a lighthouse all scrubbed and painted white. I would like to be a lighthouse and stay awake all night. To keep my eye on everything that sails my patch of sea. I would like to be a lighthouse with the ships all watching me. Now it is the time to understand the meanings of difficult words. Scrubbed. Scrubbed means washed and clean. To keep my eye on means to watch carefully. Patch. Patch means area. Patch means area. Now, I am going to explain the meaning of the poem. Now, look at the first stanza. Listen carefully. Put your finger on the stanza number first. I would like to be a lighthouse all scrubbed and painted white. The poet says that she would like to be a lighthouse scrubbed and painted in white color. Poet कहती है कि वो एक lighthouse बनना चाहती है जो कि साफ और धोया हुआ है और जिसका color white है. I would like to be a lighthouse and stay awake all night. She says again that she would like to be a lighthouse
एंड स्टे अवेक ऑल थ्रू द नाइट। वो फिर से कहती है कि वो एक लाइट हाउस बनकर रात भर जागना चाहती है। नाउ द स्टैंजा नंबर सेकेंड। टू कीप माई आई ऑन एवरीथिंग दैट सेज माई पैच ऑफ सी, देन शी वुड लाइक टू कीप हर आई ऑन एवरीथिंग दैट सेज इन द एरिया ऑफ द सी नियर हर। आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस विद द शिप्स ऑल वॉचिंग मी। शी एंड्स बाय सेइंग अगेन दैट शी वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस एंड हैव ऑल द शिप्स वॉच हर। फिर वह समंदर के उस हिस्से पर अपनी निगाहें या नजरें जमाना चाहती है जो कि उसके करीब है या उसके पास है, और वो आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए ये बताना चाहती है कि वो लाइट हाउस बनकर सारी शिप्स उसको देखे ऐसा उसे लगता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोयम। नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क। Dear students, you have to learn and write the poem 2 times. After that, you have to find out rhyming words from the poem. आपको poem के अंदर से rhyming words ढूंढ के लिखना है। Question number 3 for you. Learn and write the opposite words. आपको opposite words लिखना है और उसे learn करना है। Near opposite far, everything opposite nothing, with opposite without, awake opposite asleep, like opposite dislike. This is your homework. So we will meet in the next video soon. Till Allah Hafiz.